हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आप सबकी कुकिंग? आई होप आप सब सेफ हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई एक और मॉनसून स्पेशल मसालेदार दाल वड़ा, और ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी, एकदम कुरकुरी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चना दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चना दाल लिया, जिसको मैंने भिगो दिया था करीबन 2-3 घंटे पहले। तो ये देखिए अच्छे से भीग कर फूल गई है। अब इसको हमें छानना है, तो इसका पूरा पानी छान कर निकाल देंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऐसा करने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, इसका जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, वो निकल जाएगा और जो दाल है ना, एकदम दरदरी पीसेगी। क्योंकि पीसने के समय अगर पानी ज़्यादा हो गया तो दाल वड़े जो है ना, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बहुत ज़्यादा पानी की वजह से ना, वो तेल पी लेंगे और एकदम सौगी बनेंगे। इसलिए हमको एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं चाहिए इस वक्त। और इसी दाल में से, भीगी हुई दाल में से, मैं 2 टेबलस्पून दाल निकाल दूंगी, जो कि बाद में हम मिक्सचर में ऐड करेंगे, क्योंकि इसी से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो ये 2 टेबलस्पून मैंने साइड कर दिया, और बाकी को अब हम पीस लेंगे। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। आप चाहें तो 2 बैचेस में भी पीस सकते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो देखिए इस वक्त दाल एकदम सूखी सूखी है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्च, फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 करी पत्ता, 2 से 3 लहसुन। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और 1 से 2 टुकड़े अदरक के। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून या फिर 1 टीस्पून, जितना भी आप यूज़ कर सकते हैं, सौंफ। और मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बस 1 से 2 टीस्पून पानी। ये देखिए बस 1 से 2 टीस्पून पानी मैंने इसमें डाला है, ताकि बस ये मसाला पिस जाए अच्छे से, दाल अच्छे से पिस जाए सारे मसालों के साथ। एक्स्ट्रा पानी हमें दाल वड़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना ये ना बहुत ज़्यादा गीली गीली बनेगी। और इसे बहुत ज़्यादा देर तक ये लगातार नहीं पीसना है, बीच बीच में आप इसको बंद कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा चला दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें चम्मच चला दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए ऐसा टेक्स्चर क्या, तो साइड में ऐसे मिक्स कर लिए, थोड़ा सा चमचा ऐसे चला लीजिए और सारा मिक्सचर एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, और फिर से इसको थोड़ी देर चला लेंगे। तो ऐसे 1 से 2 बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दाल जो है ना थोड़ी सी सूखी है इस वक्त। बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, हमको दरदरा टेक्सचर ही चाहिए। बस वही एक खासियत होती है मसालेदार दाल वड़ा की। ये देखिए हमको बिल्कुल ऐसा टेक्स्चर का चाहिए। देखिए मैंने इसे 2 से 3 बार पीस लिया, इसमें हल्के हल्के अभी भी दाने हैं दाल के, और एकदम दरदरी टेक्स्चर की है और सूखा भी है मसाला, बहुत ज़्यादा गीला मसाला नहीं है। तो अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में, एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है। तो दूसरा बैच भी अगर आप पीसना चाहें, अगर आप 2 बैचेस में पीस रहे तो वो भी पीस लीजिए और इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो इस रेसिपी की यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताया, इसका दरदरा टेक्स्चर, जिसकी वजह से इसका जो स्वाद है ना, वो एकदम दुगना हो जाता है। तो इसमें हम अब जो हमने साइड में करके दाल रखी थी वो भी इसमें डाल देंगे, और ये वाले दाल जब मुँह में आते हैं ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हींग, 1 से 2 पिंच हींग आप डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक और फ्रेश धनिया। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि है 2 टेबलस्पून भरकर मैं डाल रही हूँ इसमें चावल का आटा। जी हाँ, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बस चावल का आटा। इससे क्या होगा ना, बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा इसका, जो बाहर जो टेक्सचर आ रहा है एकदम कड़क कड़क बनेगा, और अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा वड़ा। मतलब इसकी वजह से जो एकदम वो एक्स्ट्रा जो भी मॉइस्चर भी है ना इस बेस में, मतलब जो दाल में एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर भी रह गया ना, तो वो भी सोख लेगा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर या बिल्कुल पिंच हल्दी पाउडर अगर आपको कलर के लिए चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। ये सारे बेसिक मसाले ही डलते हैं मसाला दाल वड़ा में, और यही इंपॉर्टेंट खासियत, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस रेसिपी की। बहुत बेसिक फ्लेवर्स, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स जो कि हमारे पास घर पर अवेलेबल होते हैं, उसके साथ तैयार किया जाता है। ये देखिए मसाला थोड़ा सूखा सूखा है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने हाथों से, ये बहुत ज़्यादा गीला बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 टीस्पून तेल, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तेल से क्या होगा ना, इसमें और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, और ये तलने के समय और ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और फिर मैं क्या करूँगी, अपने हाथों में थोड़ा सा इसका पोर्शन लूँगी, इस तरह से एक ऐसा बॉल बना लीजिए, और फिर उसको ऐसे अपने हाथों से थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए। आपको देख के पता चल रहा होगा मसाला एकदम गीला नहीं है, तो आप आसानी से इसका शेप बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसे राउंडल में थोड़ा सा ऐसे करके, और इसे फ्लैट करके ऐसे शेप बना दीजिए, ऐसे टिक्कियों जैसे, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी नहीं, मीडियम साइज़ की।
नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल रखा है गरम करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, और इसमें एक एक करके टिक्कियाँ डालते जाएंगे। देखिए इसके ऊपर चने या दाल दिख रही है थोड़ी थोड़ी, कितनी अच्छी दिख रही है। और इसको हम डालते जाएंगे इस गरम तेल में। तेल मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है, तो इसी तरह से सारी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। देखिए मैं साइड में टिक्कियाँ बनाते जा रही हूँ और तेल में डालते जाएंगे। ये देखिए तीसरा पैटी भी मैंने डाल दिया, तीसरा टिक्की भी डाल दिया। तो मैंने एक साथ यहाँ पे चार टिक्कियाँ डाल दी और इसको फ्राई होने देगी मीडियम हाई फ्लेम पर ही करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो बीच में इसको पलट भी सकते हैं दूसरे साइड। ये देखिए थोड़े से क्रिस्पी हो गए, थोड़े से सेट हो गया उनका शेप। तो अब इसमें आप झारा चला सकते हैं, इसको थोड़ा सा पलट सकते हैं और इसको फ्राई होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो ये ऊपर से एकदम डार्क तो हो जाएंगे, आपको लगेगा कि पक गए, लेकिन अंदर से ना एकदम कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि दाल हमारी कच्ची है, हमने उसको बॉयल नहीं किया है। तो हमको दाल को एकदम बढ़िया तरीके से पकाना है, ताकि खाने में वो मजा आना चाहिए। तो इसको ऐसे फ्राई करते जाएंगे दोनों तरफ से, बीच बीच में आप पलट सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा कलर आने लगा है, पर मुझे थोड़ा सा और इसको डार्क करना है, तो इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि एकदम अंदर तक के अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से पक गया, ऊपर दाल भी दिख रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम बढ़िया तरीके से पक गया ये कलर, मुझे लगता है परफेक्ट है। अगर आपको चाहिए कि उसको और ज़्यादा क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा और डार्क करना है, तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर बराबर है, क्योंकि ये निकालने के बाद भी ना थोड़े से डार्क हो जाते हैं। तो इसको इस स्टेज पर हम निकाल देंगे। तो इसको निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। वैसे इन्होंने बहुत ज़्यादा तेल पिया नहीं है, तो टिश्यू पेपर की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। देखिए और इसी तरह से सारा फ्राई कर लेंगे। तो मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाई है। आप तो एकदम छोटी छोटी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं या छोटे छोटे बॉल्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को खाने में। तो ये मेरा दूसरा बैच भी तैयार हो गया, इसको भी निकाल देंगे पेपर के ऊपर। वाओ ये देखिए एकदम सुपर क्रिस्पी मसालेदार दाल वड़ा एकदम तैयार हो गया, और इसे बनाने में बिल्कुल भी तैयारी नहीं लगी। बस जो टाइम लगा भिगाने में, उसके बाद तो झटपट हमने सारी चीज़ें मिक्सी में डाल दी, पीस लिए और वड़े तल दिए। मतलब एक बार आपके पास दाल रेडी हो गई ना, तो उसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। और ऐसे मौसम में अगर ऐसे मसालेदार दाल वड़े मिल जाएँ चाय के साथ, वाओ उसका तो क्या कहना। तो ये दाल वड़े ना ग्रीन चटनी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो चलिए मैं आपको उसकी झटपट से रेसिपी भी बता देती हूँ। तो बढ़िया सी हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर में या फिर मिक्सी में हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बूंदी। जी हाँ, ये वही नमकीन बूंदी है जो कि हम रायते में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है ना, चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आता है और साथ ही ना उसको गाढ़ापन भी मिलेगा। तो मैं 3 से 4 टेबलस्पून, लगभग 3 टेबलस्पून भरकर ये बूंदी डाल रही हूँ, और इससे ना चटनी का कलर भी बहुत ही अच्छा हरा बना रहेगा। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भुना हुआ चना दाल। ये भुना हुआ चना दाल भी इजीली मिल जाता है मार्केट में, तो मैं इसका 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे बस 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि ये ना थोड़ी सी भीग जाए और फिर पीसने में आसानी हो। तो अब ये बूंदी भीग गई है थोड़ी सी, आप देख सकते हैं सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसके ऊपर मैं डालूँगी 8 से 10 हरी मिर्ची। नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी 1 टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 कली लहसुन की। कोई लोग यहाँ पे लहसुन नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच ज़ीरा। फिर मैं डाल रही हूँ 1 बंच धनिया का, मतलब 1 जूड़ी धनिया की, जिसे मैंने अच्छे से धोकर ऐसे काट लिया है। और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आप चाहें तो सिर्फ धनिया से भी बना सकते हैं ये चटनी, लेकिन पुदीना से भी इसको थोड़ा सा ना अलग फ्लेवर मिलता है। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 नींबू का रस और बिल्कुल थोड़ा सा पानी, बस इसको ब्लेंड करने के जितना। और मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि सैंडविच वाले या फिर वो चाट भेल वाले हमेशा ही यूज़ करते हैं अपनी चटनियों में। मैंने पूछा था उनसे एक दिन, ये है 1 टेबलस्पून या फिर जितना आप चाहें खड़ा नमक। जी हाँ, इससे चटनी को बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है और ये काफ़ी नमकीन भी रहती है। तो आपने कभी वो बाहर की चटनी टेस्ट की होगी, तो नॉर्मली घर के मुकाबले वो थोड़ी सी ना नमकीन और तीखी रहती है। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह काला नमक या फिर रेगुलर नमक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ढककर ब्लेंड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, आप ये देख सकते हैं कि कितनी स्मूथ काढ़ी चटनी का पेस्ट तैयार हो गया है, और इसका कलर भी ना बिल्कुल हरा है, आप देख सकते हैं ये कलर। ये चटनी ना एकदम परफेक्ट है सैंडविचेस बनाने के लिए या फिर भेल या चाट बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी तीखी है। तो बस अब मैं इसको डालूंगी एक अच्छे से कंटेनर में। तो बस ये गर्मा गर्म दाल वड़ों को मैं सर्व कर रही हूँ बढ़िया सी हरी चटनी के साथ, और साथ में मैं रख रही हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, क्योंकि मैंने तेल रखा ही था, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची तल दी।
तो बस ये देखिए कितने बढ़िया मसालेदार दाल बड़े तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक कितने सुपर क्रिस्पी है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से थोड़े से सॉफ्ट है। और इसको टिप टिप करेंगे हम हरी चटनी के साथ और इंजॉय करेंगे। मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वड़े का मज़ा ले सके इस बारिश के मौसम में। आप अकेले मोटे क्यों, उनको भी मोटा होने दीजिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप और ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपीज देख सकें। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके चलो बाय बाय।